इस एपिसोड में हम कवर करेंगे बाकी का डिस्टेंस जो स्टार्ट होता है लाचुंगला पास से और तांगलांगला पास होता हुआ ले तक जाता है। हाँ जी, ये देखिए आप, ये थोड़ा रास्ता खराब है, बन रहा है बहुत अच्छे से, थोड़ा बन रहा है इससे रास्ता, लेकिन बीच में थोड़े बैचेस बड़े छोटे थे। पांग की तरफ जा रहे हैं हम। पांग की तरफ जा रहे हैं, पांग 8.6 किलोमीटर दिखा रहा है, 16 मिनट बचा है। यहाँ धूल मिट्टी बहुत, ये काम चल रहा है ना, ये मुझे लगता है 1 से 2 साल का प्रोजेक्ट है, पूरा फिट हो गया, बहुत जबरदस्त रोड हो गया। इस रोड पे मोटरसाइकिल बाइकर्स को दिक्कत आती होगी मिट्टी की वजह से। यहाँ ले लो, अदरवाइज तो सब चीज लो। कितनी मिट्टी उठ रही है, ट्रक्स पे ज्यादा मिट्टी उठती है। रुक जाओ, मेरे ख्याल से है ना, रुकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डस्ट है। एक ट्रक और आ रहा है। हाँ सर, रुक ही लो। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी मिट्टी है सब जगह, पहाड़ जो है, पहाड़ ऐसे लग रहा है, बिल्कुल अलग सा मिट्टी का ही बना हुआ है सब कुछ। एक तो इधर मिट्टी का टीला है ना, और उसी में देखो बड़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी हुई है। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई लगेगा हाथी खड़ा हुआ है, कोई लगेगा मुंह, किसी का मुंह दिखेगा अलग अलग, एक ही चीज अलग अलग, ये देखो लग रहा है किसी का मुंह है, और साथ में कोई आदमी टांगों के साथ गिट्ठा से बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। देखिए क्या जबरदस्त टेरेन है, देखिए कैसे पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ है ये, और ये जो आप देख रहे हैं शेप्स बन गई है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ विंड, हवा जो होती है बहुत तेजी से चलती होगी ना, उसकी वजह से बनी है। देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसी शेप्स बनी हुई है, ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं शेप्स। बोलो सर, देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे किले की, नहीं तो किले के जो टॉप्स बने होते थे, कुछ ऐसे लग रहे हैं मंदिर के टॉप्स बने हुए हैं, मंदिर की वो लग रहा है जैसे पूरी पूरी कुछ लोग खड़े हुए हैं या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है, पूरा फैमिली जैसा लग रहा है वो वाला सामने का, नहीं थोड़े एक्स करके भी दिखा दो, 3x में कैसा लग रहा है, बढ़िया फैमिली का। अब ये यहाँ पर ही स्पेस में था, यानी यहाँ पर विंड का फ्लो ऐसा होता होगा कि जो ये मिट्टी के पहाड़ों को काट कर उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देगा इस पैच में,
वहां तक है ये शेप्स, देख रहे हैं आप उधर तक है। हाँ। उसके बाद शेप्स इस तरह की बंद हो गई है, यानी ये बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ विंड की वजह से। और इसमें जगह जगह पौधे भी लगे हुए हैं, पर मुझे लगता है बारिश नहीं होती है जिसके चलते जो है यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है। वहां पे लग रहा है स्नो हल्की सी जगह पे, दिख रही है स्नो, व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है। और ये देखिए कितनी जबरदस्त रोड है, अभी बहुत बुरे पैचेस से निकल के आए हैं और ये अब जबरदस्त रोड है। अब यहाँ ये तो तभी टिक सकती है, देखो बिल्कुल कैसे मॉन्यूमेंट से बने हुए हैं, जब यहाँ पर सारा टाइम बर्फ पड़ी रहे। अब बर्फ पड़ेगी पिघलेगी तो ये नई नई शेप्स बनेंगी, जैसे आज हम आए अगर हम कुछ साल बाद आएंगे तो हमें डिफरेंट शेप्स यहाँ पर मिलेंगी, शेप्स यहाँ सेम नहीं रहेंगी। ये मतलब समझिए डायनेमिक पहाड़ है, डायनेमिक माउंटेन्स विद डायनेमिक शेप्स। और वहां थोड़ा सा आपको सामने ही स्नो दिखेगा, ये आपको स्नो दिखेगा सामने, दिखा वो देखिए सामने स्नो, देखिए 3x कर दो, ये स्नो है जो पानी का स्ट्रीम बनानी है ना, पिघल पिघल के पानी का स्ट्रीम बनानी, तो इसका मतलब यह पूरे पैच में स्नो था जो धीरे धीरे अब ऑलमोस्ट सारा पिघल गया। यानी बिगनर्स के लिए हमारे जैसे सितंबर इज द राइट मंथ, कोई टफ टेरेन नहीं है, रश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो कोई समस्या ही नहीं है। देखिए सामने माउंटेन पे लद्दाख के गुरुजी का नाम लिखा हुआ ही दिखे, ये लद्दाखी भाषा ही है भैया, तो हम तो नहीं समझ पाएंगे लद्दाख क्या लिखा है वैसे, ये इनको भी नहीं पता जी, तो भैया यहाँ काम करते हैं इनकी जगह है, इनको नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा। ये देखिए इसके एलिवेशन दिखाता हूँ मैं, 15,260 फीट, 280 क्या लिखा है वहां पर, सॉल्ट पांग है वैसे, नहीं ऑल्टीट्यूड लिखा, ऑल्टीट्यूड है। ये देखिए 15,260 इस वक्त यहाँ पर, खूब रेस्टोरेंट से दबा के, वो देखिए टेरेन कितना बढ़िया है, हम भी यहाँ घूम रहे हैं तसल्ली से, कितने हम काफ़ी ठीक ही चल रहा है टाइम, हालांकि बहुत स्लो तो नहीं चल रहे हैं, ठीक ठाक ही हमारा टाइमिंग चल रहा है। वो देखिए पीछे माउंटेन्स, पूरी रेंज, यहाँ रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ आप खा पी सकते हैं। आ जाने जरा, बच्चों को फोटो भेज देंगे, देखिए आप इधर आ जाइए गाड़ी के साथ, इधर आइए, अरे गजब की जगह। अभी अभी हमने छोड़ा है पांग, पांग से ऊपर भी हम आए हैं, वो देखो भाई साहब देखो, मतलब यार दिल ले गई, दिल ले गई, लेह की पहाड़ियां दिल ले गई, लेह तो अभी आया भी तो ले, ये लद्दाख है, लद्दाख की पहाड़ियां हैं, देखो क्या गजब का मूड है। यहाँ का डर देखो निकल जाए धूल में, क्या टेरेन है, अभी ये रोड बन रही है, बहुत गजब की रोड बन रही है। लद्दाख में गवर्नमेंट ने बड़ी डेवलपमेंट करी है, मानना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी। ये देखो मिट्टी के पहाड़ों में भाई साहब ऐसी सड़कें बना रहे हैं कि आदमी पागल है। दिखाओ नहीं ये देखिए आप गजब का, आपको मैं 3x पे पहाड़ियाँ बर्फीली, यहाँ पर बर्फीली, यहाँ बिल्कुल मिट्टी वाली पहाड़ियाँ, डेजर्ट, यहाँ पूरा डेजर्ट मिलेगा आपको, देखिए वहाँ काली पहाड़ियाँ, यहाँ ब्राउन पहाड़ियाँ, और वहाँ आपको 1x पे दिखाता हूँ, ये देखो मिट्टी वाली 0.6 पे दिखाता हूँ, गजब का टेरेन, खूबसूरती अलग, कुछ फोटोज ले लेते हैं।
गजब का टेरेन है। देखिए आप नदी का रास्ता देखिए कैसा जबरदस्त है, देखिए। और वो टेरेन देखिए आप कितना जबरदस्त है देखिए। चांद भी दिख रहा है, देखिए खूबसूरती खूबसूरती है, एक अलग ही टेरेन है। वो देखिए आप मिट्टी के बने हुए बर्फ, सब कुछ दिखेगा, चांद भी है। ये देखो चांद, चांद भी दिख रहा है, सूरज भी निकला हुआ है। स्काई देखिए कितना जबरदस्त है, देखिए क्लियर स्काई। देखिए हम मोरे प्लेन्स आ गए, दोनों तरफ प्लेन्स हैं, ग्रासलैंड्स है। देखिए आप इधर ये देखिए, और बीच में हमारी गाड़ी चल रही है और सामने पहाड़ है, अलग ही लुत्फ है। गेटअप भी कुछ और है। ये देखिए माउंटेन्स ना यहाँ जो है गजब के, माउंटेन्स बड़े गजब के। वीडियो बना रहे हैं, ये भी उतर के बना रहा है वीडियो, हम तो चल के बना रहे हैं। चल के मतलब गाड़ी चलाते हुए। वो देखिए क्या जबरदस्त पहाड़ी नजर आ रही है। क्या गजब की पहाड़ी है, यहाँ भी उतर के मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, गजब भी कुछ और है। ये देखिए जी मोरे मैदान में आ गए, धूप खिली हुई है। देखिए 3x पे, देखिए देखिए क्या जबरदस्त सीन है। देखिए यहाँ अंधेरा, बादल कितने क्लियर है। देखिए लोग कहते हैं यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, भाई हमें तो ऑक्सीजन ही यहाँ आती है। कैसा लग रहा है, मैडम गाड़ी से नहीं निकल रही है, मैं बीच में रोक रोक के वीडियो बना लेता हूँ, मेरे को शांति नहीं मिलती है जब तक वीडियो ना आने। क्या जबरदस्त टेरेन है देखिए, पूरा मोरे मैदान है ये। यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, लोग कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, पर डार्लिंग हमें तो ऑक्सीजन ही यहाँ पे आ रही है। देखिए कितनी खूबसूरती है, मन जो है बेकाबू हो जाता है। सही बताइए ऑक्सीजन आ रही है कि नहीं आ रही है, कितना हाई ऑल्टीट्यूड लगता है ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है, महावीर जी का आशीर्वाद है कि हम लोग इस ऐसे कहते हैं ना सफर पे आए हैं। इस उम्र में हमें सबने मना किया, सबने डराया, पर कहते हैं ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो भाई श्री कृष्ण जी ने हिम्मत बंधाई, डर निकाला और हम चले आए डार्लिंग। सर आप पिछले साल से आना चाह रहे थे? मैं दो साल डेढ़ दो साल से प्रोग्राम बना रहा हूँ, हजारों वीडियो देख ली, सोयों लोगों से बात कर लिया। मतलब आप देखो कितनी खूबसूरती है यार, मैं क्या बोलूं, पॉज कर।
इसे कहते हैं मोरे मैदान। क्या यार दिल जो है ना, दिल कहते दिल पुकारे अरे अरे अरे, यहाँ के तो लगता कभी ना जा मेरे साथी। अब लगता यही अपना एक कैंप लगा ले और रात यही बिता ले। स्काई देखो सर, स्काई कितना क्लियर, इतना क्लियर स्काई मेरे जीवन में नहीं देखा। नहीं सर देखा था हमने न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में, हाँ न्यूजीलैंड में देखा था। अब पता है क्या है, यहाँ रात को ठहरो तो आपको इतने ज्यादा स्टार्स दिखेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर स्काई, यहाँ तो अपना पर्सनल कैंप लगाओ रात को ठहरो। इस वक्त हम मोरे मैदान में हैं और यहाँ एक तिब्बतियन बहुत प्यारा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। हमने गाड़ी रोकी है, देखिए पीछे कितना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। और ये मोरे मैदान का देखिए पूरा व्यू 360 डिग्री, देखिए क्या। हमने वहाँ गाड़ी पार्क कर दी, हालांकि शीशे बंद करना भूल गए मैडम बता रही, भूल जाता आदमी। ये देखिए मैडम हाथ हिला दीजिए, पूरा एरिया कितना खूबसूरत है। स्काई देखिए कितना क्लियर है, वहाँ देखिए स्काई, देखिए स्काई। मैडम हाथ दिला दीजिए। हाय गाइस, हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के 12th हाईएस्ट पास पर। अनबिलीवेबल है कि नहीं, मेरे लिए अनबिलीवेबल है। ताग लांगला ऑल्टीट्यूड 17,482 इस हम पास पर पहुंच गए हैं। हमारे लिए बिल्कुल थ्री सिक्सटी डिग्री, आप देखिए कितना जबरदस्त माहौल है। हाँ यहाँ नेट नहीं चल रहा, ये देखिए 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सूरज अस्त होने वाला है। क्या टाइम हो रहा है, हम यहाँ पहुंचे हैं 5:40 और मैडम एंजॉय करो थोड़ा सा। देखिए ये पहुंच गए, बस मैडम अरे हम हैं तंगलंगला पास पे, वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट पास, 17,000 कितना था बोलो, 17,000 समझिए आप। बर्फ भी दिख रही थी यहाँ पर और किसी पास पे उससे भी ज्यादा फोटो लिया था आपने। हाँ, तो अभी हम आप डिसेंड कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पे मैंने एक अच्छा डांस भी किया, अच्छा तो मुझे लग रहा था आपको लगे ना लगे डांस की। एक्चुअली वीडियो बनानी होती है ना न्यू, जब निफ्टी एक लेवल कट करता है उसके लिए मैं पहले से बना लेता हूँ। मेरी वीडियो अब 26,000 27,000 28,000 तक की बन के तैयार है और गजब की वीडियोज हैं, इन द सेंस की हाइट्स के ऊपर है। यहाँ पर आपको बर्फ नजर आ रही, देखो यहाँ पे साइड में दिखाऊंगी बर्फ ही बर्फ। सर टेम्परेचर देख के बताओ बच्चे लोग को, टेम्परेचर 5 डिग्री है और देखिए बर्फ जमी हुई यहाँ पर। देखो सुबह 12 लाचा गए थे ना, वहाँ से 9:30 बजे 9:30-10 बजे सुबह वहाँ था 3 डिग्री टेम्परेचर और अभी शाम की बज रही है 6:00।
तो यहाँ पर है 5 डिग्री टेम्परेचर। मैडम थोड़ा थक भी गई हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं थकी, कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। मजे लिए, गाड़ी से उतरे, फोटो वोटो खिंचवाई, सर की वीडियो बनाई, और अभी देखो अभी 1 मिनट भी नहीं और आपसे बातें कर रही हूँ मस्त। और वो देखिए सब जगह बर्फ बर्फ के पीसेस है, लास्ट है, मतलब ये पिघलते हुए आखिरी पीसेस, तो फिर नई बर्फ पड़ेगी तो यहाँ बर्फ ही बर्फ होगी। यहाँ से देखो स्काई कितना क्लीन है, थोड़ी रोड्स यहाँ पे खराब है, स्काई कितना क्लीन है, देखिए इतना क्लीन स्काई मैंने कभी नहीं देखा। देखिए कितना खूबसूरत वाक्य है, रॉक्स देखो यार, रॉक्स देखो यहाँ की, ये है आपका तंगलंगला पास, वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट पास, ड्रीम थे जो हमारे टूर में ये हमारा ड्रीम है, मतलब तो चल रहे कई सालों से। जहाँ जहाँ पासिस है वहाँ ऑफ रोडिंग हो जाती है नहीं? सर चला दी मैंने तो इस वक्त सनसेट होने वाला है और हमने आखिरी पास तय कर लिया है, ले का रास्ता तंगलंगला पास से, और अब 100 किलोमीटर बचा है 98 और लगभग 2 घंटे 37 मिनट दिखा रहा है, तो अब सनसेट हो रहा है तो हमारी वीडियो वगैरह तो बननी कम हो जाएगी और मेरे को लगता है बस स्पीड भी ठीक हो जाएगी। देखिए वहाँ ऊपर यहाँ पर स्नो बहुत मिली हमें, अच्छी बहुत तो नहीं मिली मतलब और जगह के मुकाबले, 12th हाईएस्ट पास था, रोड देखिए कितनी खूबसूरत है, जहाँ पास होता है ना मेन उसके आसपास क्योंकि बहुत बर्फ जमती है वो वाला पैच खराब होता है, उसके बाद मैंने देखा रोड सही हो जाता है, अब देखिए इतना बढ़िया रोड चल रहा है। नाइट का मैंने कहा एक आपको व्यू जरूर दूं, अभी रस्म तो शाम हो गई ना, इवनिंग का भी, नाइट तो नहीं कहना चाहिए इवनिंग, पर नाइट के नजदीक ही है क्योंकि टाइम हो चुका है, सनसेट होने वाला है 6:05 और सनसेट 6:30 का है, 6:35 के आसपास, तो बस अब सनसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले लगभग 2.5-3 घंटे में हमने तंगलंगला पास से रूम से उपसी होते हुए ले का सफर तय किया।